नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत जल्दी ही और ऑलमोस्ट आज मैंने शुरू कर दिया है सूचना सहायक का नया बैच। यानी मेरे पास कई सारे स्टूडेंट के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर कब बैच स्टार्ट करोगे, कब करोगे। तो मैं पैनल के इंतजार में था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डिजिटल पैनल खरीदा है जिससे बेटर तरीके से अपन टीचिंग करा पाए। तो दोस्तों, इसके लिए जो सूचना सहायक परीक्षा है, जिसको इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट या इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट कहते हैं, इस परीक्षा के लिए जो बैच है वो 2 से 3 जगह चलने वाला है। ठीक है, आप कहीं से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, वो सब कुछ बताऊंगा। साथ ही आज की वीडियो में मैं आपको 2 चीज बताने वाला हूँ। एक तो आईए का जो सिलेबस है उसको अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। वो उल्टा सीधा दे रखे टॉपिक, उनको एक जगह अरेंज करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से एक पीडीएफ समझेंगे अपन पीडीएफ में। साथ ही मैं बताऊंगा आप कहां से कोचिंग कर सकते हो, कोचिंग की फीस क्या है, कैसे क्या मिलेगा, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, और आपको मेरी ऐप के बारे में पता ही है। एक ऐप का नाम है आईटी एग्जाम गुरुजी, और ये जो दूसरी ऐप है हमारी, इसका नाम है आईटी अड्डा। ठीक है, इसका पहले आई अड्डा नाम था, इसका आईटी अड्डा नाम कर दिया और यहाँ पे भी नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये है गूगल प्ले स्टोर। क्या है ये? गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, ये है अपना गूगल प्ले। गूगल प्ले स्टोर आप सभी के मोबाइल में होगा ही। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, और वहां से जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां सर्च बार में आपको लिखना है आईटी अड्डा। आईटी अड्डा लिख के सर्च करोगे तो ये अपनी ऐप आ जाएगी। ये लोगो दिखाई देगा आपको, और उसका ऐप का पूरा नाम है आईटी अड्डा, फिर लिखा हुआ आईटी एग्जाम गुरुजी। समझ जाना यही अपनी ऐप है। तो ये तो आप आसानी से कर लोगे, क्यों आईटी के बदले हो। ठीक है, आसानी से आप डाउनलोड वगैरह कर लोगे। बस ये बताना था ऐप कौन सी अपनी। ठीक है, यानी यूबी गॉट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड भी लिखा होगा उसके नीचे। तो ये अपनी सेकेंड वाली ऐप है। फर्स्ट वाली जो ऐप थी वो थी अपनी ये वाली आईटी एग्जाम गुरुजी। ठीक है, तो इस ये वाली जो ऐप है, इससे मेरे हिसाब से आप कर सकते हो करने को, तो पर अभी क्या है, इसमें थोड़े से टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। इसकी वजह से ये कोर्स भी लॉन्च हो गया था, तो फिर हमने क्या किया, आईटी अड्डा पर कोर्स लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं आपको, अगर आप में से कई लोगों ने मुझसे, 4-5 हजार लोगों ने मुझसे कंप्यूटर टीचर की भी तैयारी की थी, आप में से तो कई लोग उनमें से भी होंगे जिनका वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पर बेटर तरीके से और पढ़ने वाले हैं और कोशिश करेंगे। साथ ही मैं क्या देने वाला हूँ आपको, डिजिटल पैनल पर क्लासेस चलेंगी आपकी, डिजिटल पैनल पर क्लासेस चलेंगी, और साथ ही आपको पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको हजारों क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, जिससे आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। यानी कोई भी क्वेश्चन टेक्निकल ऐसा नहीं लगे कि नया आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें अपना अकाउंट बना लो, और यहाँ पर इस ऐप में जाने के बाद, इस ऐप में जाने के बाद आपको दिखेगा सूचना सहायक का एक बैनर, उस पर क्लिक करोगे तो आप उस कोर्स में चले जाओगे। अभी क्या है, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास स्टार्ट कराई है मैंने, और वो पैनल पे कराई है मैंने खुद पढ़ा के, तो बहुत सारी इंपोर्टेंट बेसिक छोटी बड़ी चीजों को बहुत डिटेल में समझाया है मैंने। यानी उसके बाद आपको रटने की जरूरत नहीं है जीवन में कभी भी। हर चीज बताई, कैसे रैम में जाती है, कैसे प्रोसेसर में जाती है, फिर रैम में आ जाती है, कैसे हम इनपुट देते हैं, कैसे हमें आउटपुट मिलता है, जो वास्तविकता में कहानी वो सब कुछ बताई है मैंने। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अगर आप में से, और यहां पर देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि जो आईटी एग्जाम गुरुजी है वहां पर आपको 2499 में मिलेगा आईए का कंप्लीट कोर्स, और ये जो आईटी अड्डा है, आईटी अड्डा पर आपको 1999 का मिलेगा। ठीक है, ये है, और ये जो प्राइसेस हैं पहले 100 स्टूडेंट के लिए, यानी पहले जो 100 स्टूडेंट आएंगे उनको 1999 में मिलेगा, फिर इस पे भी 2499 का हो जाएगा, यानी इस पे भी 2499 का हो जाएगा, जैसे ही 100 स्टूडेंट इस पे भी हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी करें, आप अपने 100 सीटों में ही कोशिश करें, उसके बाद आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि मेरी क्लास जो है आईए की वो तकरीबन 40 मिनट की होती है, और वो भी डिजिटल पैनल पर। डिजिटल पैनल पता है कहने का मतलब, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं पीडीएफ में से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कोर्स होता है, तो कोशिश करेंगे कि अपना कोर्स भी बहुत जल्दी हो जाए, बाकी जो टाइम मिले उसमें मैं आपको यहीं पर सब कुछ कराऊंगा। क्या
टेस्ट अटेम्प्ट करके बताऊंगा यहीं पर सब कुछ, इसी डिस्प्ले पर आपको सारे टेस्ट देके बताऊंगा मैं, ठीक है, और टेस्टों को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए फटाफट से अपना जो सिलेबस है सिलेबस की तरफ चलते हैं कि हमारा आईए का विस्तृत सिलेबस किस तरीके से है। अब देखिए ये सूचना सहायक का विस्तृत सिलेबस है, और विस्तृत सिलेबस में आप देखोगे सर ये तो आपने कुछ अलग तरीके से बना दिया पूरा का पूरा। हाँ सर मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बना दिया सिलेबस, मैंने जो बोर्ड का ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस में से जो उल्टे सीधे इधर उधर पड़े हुए थे टॉपिक, यानी है टॉपिक किसी और सब्जेक्ट का डला है कहीं और, वो सब कुछ मैंने एक ठिकाने पर एक जगह पर व्यवस्थित कर दिए हैं, जिससे आप एक बार में ही एक सब्जेक्ट फ्री करके अगली सब्जेक्ट पे चले जाओ, ठीक है। तो और किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक है, कितना इंटरेस्ट पढ़ना है, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा, इसलिए अंत तक बने रहे। सबसे पहला है सर हमारा जो सब्जेक्ट उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे कुछ सिलेबस में दिखता नहीं। अरे सर है, आप गौर से देखोगे तो वहां पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक मिलेंगे और सिक्योरिटी के भी टॉपिक मिलेंगे, जस्ट लाइक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी था, लेकिन वो बहुत इनडेप्थ था, यानी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा था, सीनियर वाले में एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम था पूरा। लेकिन यहां पर सिर्फ आपको क्या चाहिए, परिचय चाहिए, और परिचय भी ऐसा नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं है ना, या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इतना परिचय नहीं काम चलेगा। इसके भी अपन को एटलीस्ट मेरे हिसाब से समझ के चलो 10 घंटे तो समझ के चलो इस टॉपिक में निकाल दूंगा मैं 10 घंटे। और इसका मतलब ये नहीं कि एडवांस में जाऊंगा सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, नहीं सर दो ही चैप्टर पढ़ाऊंगा फिर भी 10 घंटे लगेंगे, यानी इन बेसिक चीजों को भी मैं आपको कितनी गहराई से पढ़ाऊंगा, तब आप एग्जाम में कैसा भी वो क्वेश्चन, मैंने नहीं कराया और राजस्थान में किसी भी टीचर ने नहीं कराया वो आईटी का क्वेश्चन, लेकिन जब एग्जामिनर देगा तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बंदा आइडिया लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो मैं यहाँ पर 10 घंटे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा सिर्फ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसी टॉपिक में, और तकरीबन मैंने 3 घंटे के वीडियो लेक्चर इस कोर्स में जो 1999 का सूचना सहायक है उसमें डाल भी दिए है मैंने, और फिर भी अभी पहले चैप्टर पे ही हूँ और 40-40 मिनट के लेक्चर डाले हैं मैंने, ठीक है। तो सर ये जो हमारा पहला सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इसमें देखिए आप पहला है अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब इसके हार्डवेयर वार्डवेयर से नहीं है, वो तो अपना किसमें है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे तो अपने सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ना है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना, इसके टाइप्स क्या है, किस किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, बैच प्रोसेसिंग होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कई सारे हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कैसा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से, उनको भी डिटेल में, क्योंकि एक क्वेश्चन इन सॉफ्टवेयरों में से बन के आता है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे उसने दे दिया आपको कि जो कंपाइलर है या लिंकर है या असेंबलर है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आपको उस वहां पे सिस्टम सॉफ्टवेयर करके आना है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर उसने पूछ लिया है एमएस ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर, टैली कैसा सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में पढ़ाई है और इस तरीके से समझाएं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है जीवन में, आपको मैंने वास्तविकता में एक ही बार में क्रिस्टल क्लियर है ना, प्रोग्राम प्रोसेस कर्नेल सेल क्या होता है ये सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, यानी डेडलॉक का भी छोटा छोटा इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं 30-40 पन्ने का डेडलॉक, पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पूछा है ना, तो पूरी किताब का इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ हिस्ट्री में होता है। कुछ टीचर क्या करते हैं कि 2-4 पेज में करा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, भैया 2-4 पेज में करोगे तो वैसे ही रह जाते हैं, आप डिटेल में पढ़िए, मेरे साथ मेहनत करिए, मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक के बता दे, मैं वादा करता हूं कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता अगर आप मेरे बराबर मेहनत करोगे, मुझसे ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर आप कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स पढ़ेंगे, अगर आपने से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करी होगी मुझसे तो मैंने वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स भी पढ़ाए थे। यहां से क्वेश्चन आता है हमारा जो एक्सटेंशन वगैरह है उनमें से 1-2 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, जैसे एमपीजी अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी पूछा था, ठीक है। फिर ऐसा इट्स टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी में से कम 2-3 क्वेश्चन मान के चलिए, जैसे एक आध क्वेश्चन फायरवॉल में से पूछ लिया, वैसे वो आगे है फायरवॉल का, ठीक है, फायरवॉल में से पूछ लिया, ट्रोजन हॉर्स में से पूछ लिया, मॉलवेयर में से पूछ लिया, बोटनेट में से पूछ लिया, डीडीओ अटैक्स में से पूछ लिया है ना, यानी कई सारे जो टॉपिक है सिक्योरिटी से कंसर्न रिलेटेड है और जो मेजर रिफ्लेक्शन है उनका आईटी इंडस्ट्री में, वो सारे के सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं आपको, ठीक है।
जैसे वायरसेस है, वॉर्म्स है, मॉरिशियस है, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब कुछ फायरवेल्स हैं। फायरवेल को बंद करना, चालू करना, थर्ड पार्टी जो फायरवेल, एक तो इनबिल्ट आती है कंप्यूटर में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, सॉफ्टवेयर टाइप की। कुछ बड़ी कंपनियां वो हार्डवेयर टाइप की एक्स्ट्रा फायरवेल भी लगाते हैं, और कुछ अपने एंटीवायरस होते हैं उनमें भी फायरवेल का सिस्टम होता है, उनको भी एज अ फायरवेल अपन लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है फायरवॉल, ठीक है। इट्स यूटिलिटीज, फायरवॉल क्या करता है, कोई कनेक्शन है और उसको शक हो रहा है कि ये मैलिशियस है, तो उसको रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, रूल्स होते हैं उसके अंदर फायरवॉल्स के अंदर, वो रोक देते हैं। अपन इसको डिसेबल कर देंगे तो वो कनेक्शन फिर से बन जाएगा, यानी जो आपका सिक्योरिटी कनेक्शन है फायरवॉल का ऑफ कर दूंगा तो फिर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आसानी से कर पाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अपन को किस में पढ़नी है, तो देखिए एक और ये दो और सिक्योरिटी वाला तीन, और इसी में है बैकअप एंड रीस्टोरिंग ऑफ डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी एक दो क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिलाकर इसमें तीन चार अपन को टॉपिक पढ़ने हैं, तीन चार चैप्टर पढ़ने, तीन चैप्टर मान के चलो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दूं मैं, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम दो से तीन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप दो से तीन क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट यानी वायरस मॉलवेयर इसमें भी दो से तीन, अगर फायरवेल को भी काउंट कर एक दो वायरस ट्रोजन हॉर्स का क्वेश्चन मान लो, और इट्स यूटिलिटी एंड रीस्टोरिंग ऑफ डेटा दो क्वेश्चन। तो मान के चलते हैं अपन दो चार छह आठ दस क्वेश्चन मान लो, यानी सिक्योरिटी भी है इसमें और काफी सारे जनरल टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको मान लेते हैं, और देखिए वो एक्चुअल नहीं है जो मैंने बताया है, हो सकता है वेरी करता है उसके ऊपर एग्जामिनर के, पर टॉपिक्स हैं तो वो डेफिनेटली ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, तो कहां से लाएगा क्वेश्चन, यहीं से लाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आईए किस पे काम करेगा, इसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बैठ के काम करेगा। दूसरा सर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और एक और चीज बता दूं, कोई भी फालतू कमेंट मत करना वीडियो पे, क्योंकि आरएसएम एसएसबी है ना, जितना तुम सोचते हो ना, कई स्टूडेंट सर डीप में पढ़ा रहे हो, सर कहां से पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, ऐसे भी मत सोचा करो। अगला देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखिए ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यहां पर आपको कंप्यूटर का जो हार्डवेयर सिस्टम है वो पूरा पूरा पढ़ना है आपको, मदरबोर्ड, रैम, रोम है ना, और जो भी कॉन्सेप्ट है अपने के बायोस चिप हुई, अपनी जितनी चिप्स हुई, नॉर्थ ब्रिज हुआ, साउथ ब्रिज हुआ, उसके बाद पोर्ट्स हुए, यूएसबी, यूएसबी की फुल फॉर्म, यूएसबी 3.0, 2.0, और उसके अलावा इनपुट डिवाइसेस भी हैं इसमें, आउटपुट डिवाइसेस भी, सारी की सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पॉइंटिंग डिवाइसेस और स्कैनर, ये सारी की सारी चीजें आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़नी है। तो इसमें से अगर मैं क्वेश्चंस बता दूं आपको कितने क्वेश्चन आने के चांस है, तो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर से मान के चलते हैं दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट डिवाइस से दो से चार क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पॉइंटिंग डिवाइस से स्पेशल आएगा, एक और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इनपुट आउटपुट में से। देखो इनपुट आउटपुट में मैं बता दूंगा आपको, चलो क्या बताऊं, कोचिंग करोगे तभी बताऊंगा, ठीक है। तो कहां कहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ के आएंगे वो सारे सारे बताऊंगा मैं आपको। थर्ड है अपना नेटवर्किंग, अब नेटवर्किंग में अपन को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तो ये नेटवर्किंग का एक अच्छा टॉपिक है जो अपन को ओवरव्यू देता है, प्रोटोकॉल्स ऑफ ऑल लेयर जो अपना इंटरनेट मॉडल है या टीसीपी आईपी मॉडल है या फिर अपना जो ओएसआई मॉडल है, उसमें से कौन सी लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, किस डिवाइस में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से कराए थे ये मैंने आपको कंप्यूटर टीचर में, यहां से क्वेश्चन आएंगे, और आपका नेटवर्क्स में है लैन मैन वैन, यहां से क्वेश्चन आएगा एक दो, यहां पर सर्च इंजन एंड सर्विसेज एक क्वेश्चन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग एक क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब एक क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्राउजर एक क्वेश्चन। तो मान के चलते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात दो क्वेश्चन, आठ नौ, इसमें भी अपन आठ से दस क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। अगला है सर डेटा कम्युनिकेशन, तो डेटा कम्युनिकेशन में देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे, सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को रिप्रेजेंट करना एनालॉग या डिजिटल है, और डिजिटल वर्सेज एनालॉग, ठीक है। नंबर सिस्टम है हमारा, नंबर सिस्टम भी इसमें सारे नहीं है, सिर्फ डेसिमल है, बाइनरी है और हेक्सा है, यानी ऑक्टल नहीं है इसमें। यहां से भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि एक से दो क्वेश्चन तो आएगा आपका कन्वर्जन का, चांसेस बता रहा हूं मैं आरएसएम एसएसबी का वो नहीं हूं एग्जामिनर, पर हम लोग क्या है अपने अनुभव के आधार पर आपको बताते हैं, जिससे आप अच्छी चीजों पर अच्छा फोकस कर पाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर। एक से दो क्वेश्चन तो आप इसके मान के चलो, जैसे बाइनरी दे दिया और यूं बाइनरी देके क्या पूछ लिया उसने, यूं करके और यूं दे दिया, और इसमें लिख दिया उसने जो 10, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी को, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आ सकते हैं आपके,
साथ ही नंबर सिस्टम में बेसिस के आ सकते हैं, जैसे बाइनरी का बेस कितना है, व्हाट इज बेस ऑफ बाइनरी, और इसके अलावा डेसिमल का बेस कितना है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक दो क्वेश्चन यहां से मान सकते हो, एक दो क्वेश्चन ही यहां से, आप दो क्वेश्चन यहां से मान लो, दो क्वेश्चन यहां से मान लो इन दोनों में से, ठीक है। तो कुल मिलाकर चार क्वेश्चन मान सकते हैं, चार से पांच भी मान सकते हो, ठीक है। अगला है सर वेव टेक्नोलॉजी। वेव टेक्नोलॉजी में जनरल चीज है, कोई भी गहरी चीज नहीं पूछी जाती कभी भी, आपने पिछले एग्जाम्स के पेपर भी देखे होंगे, क्योंकि आईए का जो काम है ना, तो वो डेवलपर का है ना, तो प्रोग्रामर या असिस्टेंट प्रोग्रामर एसी वगैरह की पोस्ट थोड़ी है, ना ही कंप्यूटर टीचर की है पढ़ाना है किसी को, कुछ नहीं करना है आपको, आपको वहां ऑफिस में बैठना है और इंटरनेट पे ब्राउजिंग करनी है, उसने कहा कोई आदेश टाइप करना है, टाइप कर दिया, उसने कहा इसको स्कैन करके अपलोड कर दो, कर दिया, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। जैसे कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कोई मीटिंग चल रही है विभाग की, तो आप आईटी वाले हो, उन्होंने कहा यार आईए साहब को बोला, आईए साहब आएंगे कि एक मीटिंग का सेटअप कर दो, जैसे सीएम से संवाद करना है कलेक्टेड के लोगों को, तो वो क्या करेंगे, उसको सेटअप कर देंगे उस कनेक्शन को, ठीक है। बस ये होते हैं छोटी मोटी चीजें। तो वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग क्या होता है, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट्स को क्रिएट करना, उनका मेंटेनेंस करना, HTML, इंटरकनेक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में सब कुछ आ जाता है आपका, इमेज हुआ, ग्राफिक्स हुआ, ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, एनिमेशन, ये सब क्या है अपने मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स के टॉपिक हो गए, वॉइस मेल है हमारा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे मैंने बताया, जैसे जून से मीटिंग कर रहे हो या गूगल मीट से कर रहे हो, ठीक है, ये सब आप बताया ना मैंने, जैसे सीएम ने कहा सारे जिलों के कलेक्टरों से मैं मीटिंग करूंगा, कलेक्टेड में वैसे तो पहले से सेटअप हो रखा है, तो पता होना चाहिए बस कि अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे सेटअप करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब हो गया अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जो इंटरनेट के ऊपर व्यापार करती है डिजिटल तरीके से, मोबाइल वेबसाइट, जैसे Amazon हुई है ना, Amazon हुई, Flipkart हुई, FLIP, Flipkart, Alibaba हुई, ठीक है, ऐसे कुछ मेजर जो साइट्स हैं उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पूछ लिया Amazon कंपनी के संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस है, क्योंकि Amazon दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसमें से अगर क्वेश्चन मान के चले हैं अपन, तो इसमें से 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन। अगला है सर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में से भी मैं आपको बता दूं कि 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं अपन, 8 से 10 क्वेश्चन क्यों मान के चलते हैं बताता हूं आपको। एमएस वर्ड, तो एमएस ऑफिस है उसका ही कंपोनेंट, एक मेन पैकेज है जिसका नाम है एमएस ऑफिस, उसके ये कंपोनेंट है, छोटे छोटे कंपोनेंट, हालांकि छोटे नहीं है, बहुत पावरफुल और बहुत बढ़िया, पर उसके स्तर पर एक बॉक्स है, उसके अंदर छोटे छोटे और बॉक्स है, ऐसा समझ सकते हो। तो एमएस ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है प्रोडक्ट, उसमें एमएस वर्ड है जिसको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, तो वो आपसे ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिनमें से वर्ड प्रोसेसर है, एक्सेल दे दिया, पावर पॉइंट दे दिया, वर्ड दे दिया, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए वर्ड प्रोसेसर कौन सा है। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, एक्सेल को कहते हैं, तो उसने पूछा निम्न में से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो एक्सेल होगा उसमें। प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं अपन पावर पॉइंट, और एक्सेस कैसा है, डीबीएमएस है। तो यहां से क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे वो भी मुझे पता है, एग्जैक्टली बता दूंगा मैं आपको पेपर उठा के, देखो ये क्वेश्चन बताया था, ये आए, क्योंकि हमें पता है कि कहां से इसमें से क्या क्या पूछने लायक है, वही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आपको बता दिए कि इसमें देखो ये चांसेस बता रहा हूँ, चांसेस कितने हो सकते हैं दो क्वेश्चन के, क्योंकि इसमें से फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला के अलावा और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, प्रेजेंटेशन में से भी और डीबीएमएस में से भी और एक आध एक्सटेंशन वगैरह का, तो 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है सर। ये हो गई बात, अब चलते हैं आगे सर। आगे है प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम्स, इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ज्यादा टफ चीजें पूछी जाती है, सिंपल आपको वेरिएबल की वैल्यू या पॉइंटर लगा के इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ चली गई, या फिर छोटे मोटे यानी कंस्ट्रक्टर वगैरह के भी नहीं पूछते, अभी तक पूछे नहीं है, पर एक जनरल जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है उसका आउटपुट क्या हो सकता है, एक स्टेटमेंट दे दिया, एक लूप का पूछ लिया है ना, एक इफ एल्स का पूछ लिया, तो या फिर पॉइंटर का पूछ लिया, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस, या फिर निम्न में से किस टाइप का एरर आएगा इस छोटे से 4 लाइन में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम में से सिर्फ इंट्रोडक्शन क्या होती है, एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, स्टेप क्या होते हैं, उसकी गुड एल्गोरिथम की क्या पहचान होती है। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज का परिचय, ना कि कंप्लीट एक्सपर्ट लेवल से कोई चीज नहीं है, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ ऊप्स का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इंट्रोडक्शन टू आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट,
और उसका एडवांटेजेस। तो इसमें से अगर मैं क्वेश्चन मान के चलूं दो, एक एक और एक और एक, यानी दो चार छह आठ, आठ क्वेश्चन मान के चल सकते हो आप। कितने क्वेश्चन मान के चल सकते हो? आठ क्वेश्चन मान के चल सकते हो आप, ठीक है सर। अब ऐसा हमारा रीजनिंग, तो रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई है, डेटा सफिशियंसी या लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। ये अपना रीजनिंग का हो गया। फिर आ जाते हैं सर अपन जीके पर, इस पर आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा जीके का, रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भारत एवं राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान है और करंट अफेयर्स है यानी समसामयिक मामले भारत और राजस्थान के, एंड स्पेशल डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्पेशल डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि आईटी की फील्ड में अभी हाल ही के वर्षों में, जैसे एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष में, कौन कौन से पोर्टल लॉन्च हुए हैं, कौन कौन सी स्पेशल एप्स जो इम्पोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं वो लॉन्च हुई हैं, है ना, या कोई फेस्टिवल हुआ है आईटी से रिलेटेड, इन सारी चीजों, कोई आईटी पार्क है ना, आईटी डेवलपमेंट है, और आपका जैसे 4G है 5G है, इन सारी चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये यहां से अगर अपन मान के चले तो इन सभी से, यानी स्पेशल डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप दो तीन क्वेश्चन मान सकते हो, और यानी इसको भी आप मान के चल सकते हो। पिछले बार क्या आया था उसको बिल्कुल मत देखना कि पिछली बार पेपर में ये पूछा था तो इस बार इतने ज्यादा कैसे आ जाएंगे, वो RSMSSB पागल साइको बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 10 नंबर मान के चल सकते हो, ठीक है। अब देखिए 10 से भी ज्यादा मान के चल सकते हो आप, इसमें जीके का पोर्शन 10 से भी ज्यादा हो सकता है, 20 क्वेश्चन पूछ ले, वो उनके मूल के ऊपर है, कहीं भी लिखा नहीं है कि इतने क्वेश्चन पूछूंगा। और इसमें अगर आप पास हो गए तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड और हिंदी और इंग्लिश के लिए 15-15 मिनट मिलेंगे आपको, तो टाइपिंग का कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको, ये क्वालिफाइंग है, आपकी फाइनल कट ऑफ तो इस रिटन एग्जाम से ही बनेगी। तो सर ऐप मैंने बताई दिया आप, है ना, अभी फिलहाल तो आईटी अड्डा ऐप डाउनलोड कर लेना, आईटी अड्डा से, आईटी अड्डा पे आपको मिल जाएगा कोर्स, अभी उसको शुरू हुआ है कोर्स, तो उसमें आपको तीन ही लेक्चर दिखेंगे, और धीरे 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 उसमें अलग अलग जैसे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे उसके अंदर ही आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिखाई देने लग जाएंगे। और न्यू बैच वैसे तो मैंने 21 तारीख से स्टार्ट किया था, फिर हमारी ऐप में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए तो उसका इंतजार किया, फिर हमने आईटी अड्डा पे फाइनली को अपलोड कर दिया। कल डिजिटल पैनल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, इस डिजिटल पैनल पे पढ़ाऊंगा मैं आपको, थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, इतना बड़ा मॉक टेस्ट का स्पेशल मॉक टेस्ट, जो आईटी के क्वेश्चंस हैं उनका बहुत बड़ा डेटाबेस है मेरे पास, तो वो टेंशन मत रखो, यहीं पे सॉल्व कराया करूंगा आपको। जब रिविजनिंग क्लासेस चलेंगी पीडीएफ भी मिलेंगे आपको ई नोट्स के रूप में, यानी आप उनको ओपन कर सकते हो और रिविजन कर सकते हो मोबाइल के अंदर ही, हो सकता है इसमें प्रिंट वाला फैसिलिटी नहीं हो, ठीक है। और अगली चीज है कंप्लीट कोर्स, अभी 2499 रुपए का हमने रखा था फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, और उसमें से काफी सारी सीटें कल रात को और आज सुबह जा चुकी हैं, और फिर हमने ये इस वाले पोर्टल पर 1999 का कर दिया, आईटी एग्जाम गुरुजी वाले पर आपको 2499 का मिलेगा। ये आईटी एग्जाम गुरुजी वाले में ये कोर्स हो सकता है आपको दिखे नहीं, हो सकता है ये कोर्स दिखे नहीं, ये www.itexamguruji.in इस वेबसाइट पर जाओगे, .com नहीं .in, इस वेबसाइट पर जाओगे तो सबसे ऊपर आपको ये कोर्स दिख जाएगा, वहां से परचेज कर लोगे तो आपको ऐप में दिखेगा, वैसे जनरली ये आपको ऐप में नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, बेंगलुरु में जो टीम बैठी है मेरी वो उस पर काम कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप कि आपको मैंने कंप्लीट तो आपको सिलेबस समझाया एक व्यवस्थित ढंग से एक जगह पर, और क्लासेस इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप चाहो तो क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा आपको, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना शेयर करना ना भूलें। फिर मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।